एमआईसी के पूर्व शहर अध्यक्ष असलम खान, शहर सचिव समीर अंसारी, कारी जाकिर अंसारी, सहनवाज जी और एमआईसी के सभी कार्यकर्ताओं ने आज शहीद सादत खान की कब्र पर जाकर श्रद्धांजलि दी और देश के प्रति उनकी कुर्बानी को याद किया। और असलम खान AIIM पूर्व शहर अध्यक्ष इंदौर ने प्रेस से बात करते हुए ये बताया कि आज 1 अक्टूबर शहीद सहादत खां की शहीदी का दिन है। आज ही के दिन देश की आज़ादी के लिए महान स्वतंत्रता सेनानी को इंदौर के रेसिडेंस में बरगद के पेड़ पर फांसी के फंदे पर लटकाया था। आपने फांसी के फंदे से पहले इंदौर की आवाम को संबोधित किया था और सभा खत्म होने के बाद अंग्रेजों ने उनकी फांसी दी। बताया जाता है कि फांसी देने पर भी अंग्रेजों को सब्र नहीं हुआ। ब्रिटिश शासन का आदेश था कि फांसी देने के बाद गर्दन को भी काट दिया जाए और गोलियां दागी जाए ताकि कोई और नौजवान ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज ना उठाए, क्योंकि उन दिनों मस्जिदों से ये ऐलान हुआ करता था कि अंग्रेज से अपने मुल्क को बचाए और गुलामी करना हराम है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया है कि ना तो गुलामी करो ना किसी को गुलाम बनाओ, इंसानियत का साथ दो, कमजोर मजलूमों की मदद करो। इन्हीं बात पर अमल करके शहीद सादत खान ने अंग्रेज के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन किया और बहुत से नौजवान को आज़ादी के लिए तैयार किया था। विडंबना देखिए, इंदौर की जिस रेजिडेंसी कोठरी कंपाउंड में मौजूद बरगद के पेड़ पर हमारे देश के वीर शहीद सहादत खां को फांसी दी गई थी, वहां का नाम रेजिडेंसी कोठी अंग्रेज हुकूमत ने दिया था और आज आज़ादी के 75 साल हो गए, अभी तक इस कोठी का नाम शहीद सहादत खां के नाम से नहीं हुआ, जिसकी वजह से हमें आज़ादी मिली। आज उन स्वतंत्रता सेनानियों को सरकार भूली बैठी है। AIIM इंदौर को अकीदत पेश करती है, आपके लिए दुआ करती है। आज आप सादत खान साहब की कब्र पे आए हैं तो सर बताएंगे आज क्या वजह रही है? देखिए साहब, हमारे देश के जो महान मालवा के स्वतंत्रता सेनानी शहीद सहादत खां, जिनको आज ही 1 अक्टूबर के दिन इसी पेड़ के ऊपर फांसी पे लटकाया गया था और ये क्रूरतम तरीके से उनकी फांसी पे लटकाने के बाद उनको नीचे उतारा गया, उसके बाद उनको गोलियों से छन्नी किया गया, उनकी गर्दन तक काट दी गई। इतना खौफ अंग्रेजों के दिल में था, ऐसे हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानी शहादत खां साहब को हम आज यहाँ याद करने आए हैं, उनको अपनी अकीदत के फूल पेश किए हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी आपके लिए यहाँ पे आई है, उनकी शहादत पे अपनी अकीदत पेश करने आए हम लोग। तो अब इसके बाद हम लोग मज़ार पे भी जाएंगे जहाँ पे शहीद सहादत खां साहब को दफन किया था, PSC ऑफिस के सामने। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के माध्यम से भी हमने इंदौर के महापौर श्री भार्गव जी से भी हमने एक निवेदन किया था, जो एक हमारे गुलामी का प्रतीक है रेसिडेंसी जिसको बोलते हैं, जो अंग्रेज़ों की एक हमें मुँह चिढ़ाती है, उसकी हमने एक मांग की थी कि उस रेसिडेंसी कोठी का नाम शहीद सहादत खां के नाम किया जाए, जो कि एक धब्बा है हमारे ऊपर रेसिडेंसी कोठी। माननीय महापौर जी ने इंदौर जो एरिया है, ये रेसिडेंसी एरिया, इसका नाम जो हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके नाम किया, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मैं उनसे निवेदन करूँगा कि एक शहीद और हैं जिन्होंने इंदौर में अपनी शहादत दी है, जिनके नाम से अगर हम रेसिडेंसी कोठी का नाम रखते हैं तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, उनके लिए हमारे दिल में जो जगह होना चाहिए उसका बराबर मान सम्मान देना चाहिए। मैं पुनः महापौर जी से निवेदन करूँगा कि एक बार पुनः विचार करें, जब भी अगली परिषद की आपकी बैठक हो तो महापौर जी मैं आपसे निवेदन करूँगा हमारे सच्चे शहीदों के नाम से इस रेसिडेंसी कोठी का नाम बदल के शहीद शहादत खां के नाम किया जाए। आपका परिचय? असलम खान, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। असलम भाई, ये जो मज़ार है सादत खां की, तो रेसिडेंसी में तो आपने बता दिया है कि वहाँ पर उनको फांसी दी गई थी और वहाँ पर उनका आस्थाना बना दिया गया था, लेकिन असल में यहाँ दफनाया गया उनको जी।
बहुत से इंदौर के ऐसे निवासी हैं, हमारे रहने वाले जो लोग हैं, उनको शायद ये मालूम नहीं है कि शहादत खां की मज़ार कहाँ है। तो मैं उनके लिए भी बताना चाहता हूँ कि ये संघ लोक सेवा आयोग का जो ऑफिस है उसके ठीक सामने ये शहीद शहादत खां साहब की मज़ार है, जहाँ से उनको यहाँ पर दफन किया गया था। और मैं महापौर जी से भी इसके लिए भी मैं निवेदन करूँगा कि जिस तरीके से ये टीन के शेड में और जालियाँ लगी हुई हैं, कोई ऐसा स्मारक बना दिया जाए इनका, ताकि यहाँ के हमारे इंदौर का एक नाम रोशन होता रहे, लोगों को लगता रहे कि हम एक अच्छी जगह इंदौर, जिस तरीके से छठी बार इंदौर स्वच्छता में नंबर आया है, फर्स्ट नंबर आया है, वैसे ही अब इस शहीदों के मामले में भी हमें पहले नंबर पर आना चाहिए।